सोसाइटी के अंदर पैदा करना चाहते हैं। बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को खराब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता, और इस गुनाह की सजा भी बराबर मिल रही है, मिलती रहेगी। और जो इस तरह के हैंडलर, इस तरह की एक्टिविटीज जो सरहद के पार बैठ के कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सरहद के इस तरफ भी शामिल हैं, दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। सरहद के पार भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो बैठे हैं उनके भी कोई ना कोई कनेक्शन रूट्स यहाँ पर है, और जो जहाँ पर लोग बैठे हैं जो उनके नेटवर्क में शामिल हैं उनकी भी हमें खबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है, और इस कार्रवाई को किसी भी सूरत में नरम नहीं किया जाएगा, इसको और सख्त किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को जो नुकसान पहुंचाया है, ये जिंदगी से मौत तक तब्दील करने का जो सिलसिला, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को जो मिलिटेंसी में धकेलने का सिलसिला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्प्रेड करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और एजेंसी इस्तेमाल करती हैं, इसको हर तरीके